शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का मामला, मुस्लिम लीग नून की मरकजी मजलिस आमला का इजलास खत्म हुआ। अपोजिशन जमातों ने एहतजाज रिकॉर्ड कराने से मुतालिक हिकमत अमली तैयार कर ली। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे सलमान तारिक से। सलमान, हिकमत अमली क्या है, प्लान क्या है, आगे का लाया अमल क्या है? उनकी मरकजी मजलिस आमला का इजलास जो है वो खत्म हो गया है। 3 घंटे से ज्यादा ये इजलास चलता रहा और इसके अंदर जो है अक्सरियत पार्टी की अक्सरियत ने नैब इकदाम को सियासी इंतकामी कार्रवाई करार दिया और शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से मुतल्लिक जो हिकमत अमली तय की गई है। अपोजिशन जमातों ने एहतजाज रिकॉर्ड कराने से मुतल्लिक हिकमत अमली तैयार की है। उस हवाले से राजा जफरुल हक ने मजीद बताया कि अपोजिशन जमातों के तमाम अरकान मजम्मती तकारीब भी करेंगे और मुस्लिम नून ने सेनेट से वॉकआउट का भी इस हवाले से फैसला कर लिया है और मुस्लिम नून के अरकान एहतजाज के तौर पर सियाह पट्टियां भी जो है सेनेट की कार्रवाई के दौरान पहनेंगे। इसके साथ साथ जो अक्सरियत ने जो सियासी जमातों को साथ लेकर नैब इकदाम के खिलाफ एहतजाज की राय जो मरकजी मजलिस आमला में दी गई है उस हवाले से भी फैसला किया गया है कि तमाम सियासी जमातों से इस हवाले से मुशावरत भी की जाएगी और मुशावरत के साथ ही लेकर चल के शहबाज शरीफ के मामले के हवाले से जो है अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सलमान तारिक।